हेलो गाइस, तो क्या हाल है आप सबका। आज हम जिस मूवी के ट्रेलर का रिव्यू कर रहे हैं उसका नाम है द इम्पटी मैन। मूवी को डायरेक्ट किया है डेविड प्रायर ने, जो कि यह मूवी एक हॉरर मूवी है। और इस मूवी की खास बात यह है कि यह मूवी की स्टोरी कलेन बान और वनेसा की द इम्पटी मैन नाम की ही नॉवल से ली गई है, जो कि यह नॉवल बूम स्टूडियो के द्वारा पब्लिश की गई थी। अगर आपको बूम स्टूडियो के बारे में नहीं पता है तो बता दें कि बूम स्टूडियो एक अमेरिकन पब्लिशर है जो कॉमिक बुक और ग्राफिक नॉवल को पब्लिश करता है। अब बात करते हैं इस मूवी के लीड एक्टर के बारे में। तो इस मूवी में जेम्स बैजडेल लीड एक्टर है, जो आयरन मैन 3, वर्ल्ड वॉर जेट, 13 आर जैसी सुपरहिट मूवी में काम कर चुके हैं। तो अब आते हैं मूवी की स्टोरी पर। तो जेम्स बैज इस मूवी में एक पुलिस ऑफिसर है जो कि कुछ बच्चों के गायब होने की एक केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। यह वही केस है जिसमें बच्चों के गायब होने को लेकर वहां के स्थानीय लोगों में यह बात फैला होता है कि उन्हें इम्पटी मैन गायब कर रहा है। तो अब क्या सच में उन्हें इम्पटी मैन ही गायब कर रहा है? और उन्हें गायब कर रहा है तो वो बच्चे जिंदा भी होते हैं या इम्पटी मैन के द्वारा मारे जा चुके होते हैं? जो यह सब जानने के लिए आपको मूवी देखना पड़ेगा। तो अब जिन लोगों ने इस मूवी का ट्रेलर नहीं देखा है उन्हें एटलीस्ट एक बार ट्रायल बेसिस पे जरूर देखना चाहिए। अगर आप हॉरर मूवी देखने के शौकीन हैं तो इस ट्रेलर को आपको डेफिनेटली देखना चाहिए। और ट्रेलर देखने के बाद तो मूवी देखने के डिसाइड को लेकर सोचना भी नहीं पड़ेगा। तो अब बात करते हैं मूवी की रिलीज डेट की। तो यह मूवी 23 अक्टूबर 2020 को आने वाली है। हालांकि यह मूवी अक्टूबर से पहले ही आने वाली थी लेकिन कोरोना की वजह से डिले हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और रोज किसी और मूवी के साथ। थैंक यू।